मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज की होस्ट आपकी दोस्त मैं देशना जी और मैं वेदिका चौहान आज के 94.8 एफएम में कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है। आज हम बात करेंगे हमारी एक टीचर के बारे में। एक टीचर? हमारी तो कई सारी टीचर, केवल एक के बारे में क्यों? अरे वेदिका, मैं बात कर रही हूँ हमारे चिंतकी की सबसे पहली शिक्षिका के बारे में। बताओ कौन है वो? अच्छा, तो तुम मम्मी की बात कर रही हो? हाँ, हमारी एग्जाम आ रही है और एक माँ ही तो है जो हमारे सबसे पहले गुरु है। ये तो सच कहा तुमने दोस्त, एक माँ ही तो है जो सबसे प्यारी होती है, भगवान का सबसे पहला उपहार होती है। और अब तुम बताओ क्या बोलोगी माँ के बारे में? माँ ही तो है जो हमें इस दुनिया में लाती है, माँ ही तो है जो सबसे पहले हमसे बात करती है, माँ ही तो है जो चलना सिखाती है। एक माँ ही तो है जो हमें कहना सिखाती है। माँ के बारे में क्या कहना? हाँ, ये तो सही है, माँ है तो सब कुछ है। माँ के गुण एक तो नहीं वरन माँ तो खुद गुणों की खान है। इसी कारण प्रायः पूरे संसार में ज्यादातर सम्मानित और जीवनदार टीचरों को माँ की संज्ञा दी जाती है, जैसे पृथ्वी माँ, धरती माता, प्रकृति माता, गौ माता आदि। और तो और, भारत को भी हम भारत माता ही कहते हैं। बिल्कुल सही वेदिका। इसके साथ ही माँ को प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति भी माना गया है। इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है कि किसी माँ ने दुख सहते हुए भी अपनी संतानों को तैयार किया है। हाँ, चाहे वे विश्वाची की माता जीजाबाई हो या गुरु गोविंद जी की माँ माता गुजरी, और तो और मारवाड़ में पन्ना धार, गोरा धार, सभी का नाम आज भी सम्मान के साथ लिया जाता है। हाँ देशना, माता अहिल्याबाई लक्ष्मीबाई तो ऐसी माँ हैं जिन्होंने अपने पति के मृत्यु के बाद भी सम्मान पर शासन किया और पूरे राज में हिंदुत्व का मान बढ़ाया। ये तो बात हुई पूरे समाज की, अब तुम अपनी मम्मी के बारे में बताओ। मेरी माँ को मैं मम्मी ही बोलती हूँ। मुझे वो तैयार करती है, खाना बनाकर देती है, स्कूल भेजती है और सारा होमवर्क कराती है और रात में अच्छी कहानियाँ भी सुनाती है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो मेरी मम्मी बेस्ट है। हाँ, ये तो है, हर किसी के लिए अपनी मम्मी बेस्ट है। मेरी मम्मी भी ये तो सब करती है, साथ ही मुझे लोगों से बातें करना सिखाती है, मंदिर में पूजा करना सिखाती है, जरूरत पड़ने पर मुझे डांट भी लगाती है। परंतु पता है, उनकी डांट और मार में भी प्यार होता है। हाँ ये तो है, मम्मी अगर मारे तो खुद भी पश्चाताप करती हैं। हाँ, एक व्यक्ति के जीवन में माँ ही सब कुछ है। अगर खाना बनाए तो अन्नपूर्णा, पढ़ाए तो सरस्वती, पैसे बनाए तो लक्ष्मी और प्यार करे तो पार्वती। हाँ, माँ ही तो जिंदगी है, माँ है तो सब कुछ है। एक बात तुमने गौर की, जब भी हमें चोट लगती है तो हमारे मुंह से माँ ही निकलता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में माँ सुबह से लेकर शाम तक न्यूछावर करती है। ये तो सही बात है वेदिका। अब मैं हमारे दूसरी माँ के बारे में बताऊंगी, जो एक या दो नहीं बल्कि कई सारी है। कई सारी माँ है, वो कैसे? अरे मैं बात कर रही हूँ हमारी सारी टीचर्स की, जो हमें पढ़ाती है, लिखाती है, समझाती है, बताती है और कभी कभी जब हम मस्ती करते हैं तो हमें डांटती भी है। अगर हम अपने परिवार के साथ एक दिन गुजारते हैं तो उसमें से आधा दिन हम अपनी इन मदर टीचर के साथ ही गुजारते हैं। क्या बात है देश। अगर हमारी मम्मी हमें कह सिखाती है तो ये टीचर्स ही हमें माँ से माँ बोलना सिखाती है। क्या बात है देशना, इस तरह से तो मैंने कभी सुना ही नहीं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो देशना, अगर हमें मम्मी पूर्ण बनाती है तो ये हमारी दूसरी माँ हमको संपूर्ण बनाती है। ज्ञान बिना हम पशु समान होते हैं, ये टीचर्स हमें पशु से इंसान बनाते हैं। वही तो वेदिका, अब तो मैं हमारे सारे टीचर्स के लिए यही कहूँगी, जीने देती पूरी दुनिया सम्मान, जो करती सबू तो का निर्माण, जो बनाती इंसान को इंसान, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। अरे वाह देशना, तुम तो शायरी भी करती हो,
माँ पर कुछ है तो बताओ ना, हम दोनों साथ में मिलकर बोलेंगे। हिमालय जैसा गौरव तेरा, तू ही लाती नित्य सवेरा, हृदय में तेरी प्रेम की नदियाँ, तेरे आंचल में ही प्रीति सदिया, कभी ना हरी ममता के पीछे, ईश्वर का दर्जा भी तेरे नीचे, तू ही गोरी तू ही काली, बड़ी ही सुंदर बड़ी है न्यारी, तेरा ही है देवी में वास है, देवों को भी तुझ पे विश्वास है, तू ही ममता की मूरत है, तुझसे ही जीवन में वरदान है, तुझसे ही जीवन की पहचान है, सदा तेरा गुणगान है, सदा तेरा गुणगान है। इसी कविता के साथ हमारी सारी टीचर्स को और दुनिया की सारी माताओं को हमारा शत शत वंदन अभिनंदन। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।